उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। शिक्षार्थियों, इस व्याख्यान में हम जान रहे हैं कि गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व क्या होते हैं। पिछले व्याख्यान में आपने जाना था मूल्यों के विषय में। आज हम बात करेंगे लक्ष्य। लक्ष्य क्या होते हैं और किस प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और लक्ष्यों की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लक्ष्य क्या होते हैं। लक्ष्य यानी गोल या एम। कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुख, संतोष और सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा ही इच्छुक रहता है, तो उस चीज़ के लिए वो हमेशा कुछ गोल सेट करता है। इसलिए उन गोल्स या उन लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है उसके लिए। इन गोल्स की प्राप्ति पर किसी भी व्यक्ति को संतोष एवं सुख का अनुभव होता है। लक्ष्य चाहे छोटे हो या बड़े हो, प्रत्येक परिवार उन्हें पाने की चेष्टा करता है। लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं क्योंकि ये हमें दिखाई देते हैं और हम गोलों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य इच्छाओं, दार्शनिकताओं, अभिव्यक्तियों और मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है। लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम नई सूचनाओं, तकनीकों का सहारा लेते हैं। सामान्य अर्थों में लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। अब हम बात करेंगे कि लक्ष्यों का वर्गीकरण। लक्ष्यों को हम समूहों के हिसाब से दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत लक्ष्य और दूसरे होते हैं सामूहिक लक्ष्य। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत लक्ष्य। व्यक्तिगत लक्ष्य यानी पर्सनल गोल्स, ये जो कोई भी पर्सन होता है अपने खुद के लिए सेट करता है और उनके अचीवमेंट पे उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपना गोल सेट करा है कि आप इस वर्ष 70 या 80% मार्क्स प्राप्त करेंगे, तो ये आपका पर्सनल गोल है। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने ये सोचा है कि आप अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करेंगे, तो ये गोल भी आपका पर्सनल गोल है। या फिर आपने खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, यह भी एक व्यक्तिगत लक्ष्य का उदाहरण है। इसके बाद आता है सामूहिक लक्ष्य। सामूहिक लक्ष्य समूह द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये समूह के सदस्यों के कुछ सामान्य मूल्यों और हितों पर आधारित होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसका बेटा या बेटी उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे, तो ये एक सामूहिक गोल हो सकता है। या फिर आपने ये अपना लक्ष्य बनाया है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये भी आपका एक सामूहिक लक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो यह भी एक सामूहिक लक्ष्य का उदाहरण हो सकता है। टर्म के हिसाब से गोल तीन प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। सबसे पहले जानते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं। यह एक लंबी समयावधि तक चलने वाले लक्ष्य होते हैं। इनके प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है और इनके लिए अत्यंत प्रयास भी करना पड़ता है। इनके प्राप्त होने पर संपूर्ण परिवार खुशी का अनुभव करता है। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। बहुत बार जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, यानी जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं, वो मिलकर एक दीर्घकालीन लक्ष्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति से हमें दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी फील्ड में एक अच्छी जॉब पाना, शादी करना, अपने लिए एक मकान बनाना, बच्चों की शिक्षा इत्यादि दीर्घकालीन लक्ष्य का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती या मध्यकालीन लक्ष्य। ये जो लक्ष्य होते हैं, ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों के को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये आपके जीवन काल की उपलब्धि में से एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के जो लक्ष्य हैं, उनका एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे आपने खाना बनाना है, तो उसके लिए आपने जिस फूड सामग्री की शॉपिंग करनी है वो इसमें आ सकता है, या आपने मेन्यू प्लानिंग करनी है वो इसमें आ सकता है, प्रिपरेशन जो कुकिंग के लिए आप करते हैं वो इसमें आ सकता है। ये जो लक्ष्य होते हैं, इनको पाना दीर्घकालीन लक्ष्यों की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है और इनको पाने में कम समय लगता है। इसके बाद आते हैं अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे एम रखते हैं अपने, वो होते हैं हमारे अल्पकालीन लक्ष्य। इन लक्ष्यों को कम प्रयत्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि
रोज़मर्रा की साफ़ सफाई, यदि आप वर्किंग है तो रोज़ अपने ऑफिस जाके अपने कार्यों को पूरा करना, ये सब आपके अल्पकालीन लक्ष्य हो सकते हैं। ये जो लक्ष्य होते हैं बहुत ही कम समय में निर्धारित किए जाते हैं और ये तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होते हैं और इसके परिणाम में शीघ्र देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे यदि आपको भूख लगी है तो अपनी हंगर को सेटिस्फाई करना एक अल्पकालीन लक्ष्य है। अच्छे से ड्रेसअप होना ये भी एक अल्पकालीन लक्ष्य है। तो इस प्रकार जो हमारे डे टू डे लाइफ की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं अल्पकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग के हिसाब से जो लक्ष्य होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। ये होते हैं प्रोसेस, परफॉर्मेंस और आउटकम गोल्स। अर्थात प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया लक्ष्य। इसमें क्या होता है कि ये होती हैं प्रदर्शन की विशिष्ट क्रियाएं। इसमें आपको कुछ अचीव करने के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि आप हर दिन खाने के बाद 2 घंटा पढ़ाई का लक्ष्य आपने रखा है, तो ये आपका प्रक्रिया लक्ष्य है। तो इस प्रकार के लक्ष्यों में जो पूरा कंट्रोल होगा वो व्यक्ति विशेष का होगा। फिर आता है प्रदर्शन लक्ष्य यानी परफॉर्मेंस लक्ष्य। इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति के जो व्यक्तिगत मानक होते हैं उन पर आधारित होते हैं। जैसे आपने सोचा है कि आप 10 में से 9 का GPA आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपने अपने लिए परफॉर्मेंस का एक गोल सेट किया हुआ है। फिर आता है परिणाम लक्ष्य। ये होते हैं जीत पे आधारित। जैसे आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, उसके बाद आप अपने इच्छित पेशे में आपको नौकरी मिल जाती है, तो वो आपका परिणाम लक्ष्य कहलाता है। यानी कि इस प्रकार आप देख सकते हैं जो प्रोसेस, परफॉर्मेंस और जो परिणाम लक्ष्य होते हैं ये तीनों ही आपस में डीपली रिलेटेड होते हैं। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार जो लक्ष्य होते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपने कोई भी शॉर्ट टर्म गोल अचीव किया, उसके बाद आप एक इंटरमीडिएट टर्म गोल सेट करते हैं अपने लिए, उसको भी अचीव करते हैं, उसके बाद आप अचीव करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को। इस प्रकार हर तरीके के गोल्स को अचीव करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे कि आप एक डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप अचीव करते हैं। तो इस प्रकार जो लक्ष्य होते हैं वो आपको डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में आपकी हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे लक्ष्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। लक्ष्य जो होते हैं हमेशा चलने वाले होते हैं। मतलब जैसे ही एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य अपने लिए दूसरे लक्ष्य का निर्माण करता है। जैसे कि आप BA के छात्र हैं, आप BA फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, तो आपका अगला लक्ष्य हो जाता है कि आप BA सेकेंड ईयर की तैयारी करने में लग जाते हैं। दूसरा है, लक्ष्य हमेशा समय के बाध्य होते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लक्ष्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन और मध्यकालीन होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि टाइम बाउंडेशन होती है लक्ष्यों के साथ साथ। जैसे कि आप BA के स्टूडेंट हैं, तो आपने जो BA का जो कोर्स है उसे आपने 3 साल में पूरा करना है। यदि आप उसको 3 से अधिक वर्ष लगाते हैं, फिर तो उस लक्ष्य की प्राप्ति भी आपको उस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और आप कह सकते हैं कि उसके बाद वो लक्ष्य आपके लिए महत्वहीन हो जाते हैं। थर्ड है, लक्ष्य सदैव एक नहीं होते, अर्थात लक्ष्य हमेशा ही बदलते रहते हैं। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्य से होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही अपने लक्ष्यों को सेट करता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की जो वैल्यू है वो फिटनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने लिए जो उस फिटनेस को अचीव करने के लिए अपने आगे लक्ष्यों को रखेगा। जैसे कि जिम ज्वाइन करना, योगा क्लासेस करना या वॉक पे जाना, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो लक्ष्य रखेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यूज़ एक आपके लक्ष्यों को दिशा निर्देश देती हैं। लक्ष्यों से व्यक्तित्व का विकास होता है। लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लक्ष्य हमेशा ही व्यवहारवादी तथा यथार्थवादी होते हैं। मतलब लक्ष्य को सेट करने में कहीं भी कल्पना का कोई रोल नहीं है। आप काल्पनिक रूप से लक्ष्यों को सेट नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं। लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। लक्ष्य पारिवारिक जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। लक्ष्य मनुष्य की आशाओं का प्रतिबिंब होते हैं। अब हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग, मतलब आपने लक्ष्यों को किस प्रकार से सेट करना है। लक्ष्य सेट करते टाइम आपने स्मार्ट गोल्स का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अर्थात जो आपके गोल हैं S यानी स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या अचीव करना है। M मतलब मीनिंगफुल। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए कि उनकी इम्पोर्टेंस क्यों है आपके लिए, क्यों आप उन्हें अचीव करना चाह रहे हैं।
तीसरा ए अर्थात एक्शनेबल। कोई भी लक्ष्य आपने जब सेट किया है तो आप वह इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उस पर कुछ एक्शन ले सकें और उसके बाद उसे पूर्ण कर सकें। फिर आता है आर यानी रियलिस्टिक। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लक्ष्य हमेशा यथार्थवादी होने चाहिए। टी अर्थात टाइमली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लक्ष्य हमेशा टाइम बाउंड होते हैं तो एक समय सीमा होनी चाहिए कि जब आपको पता हो कि आपने इस समय सीमा के अंतर्गत आपने अपने लक्ष्य को अचीव कर लेना है। तो ये था हमारे लक्ष्यों के विषय में। अगले भाग में हम जानेंगे स्तर के विषय में। धन्यवाद।